नमस्कार, स्नेहा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बनाना केक। इसके लिए मैंने ये दो केले लेके रखे हैं, इनको मैं मैश कर लूँगी इस तरह कांटे की सहायता से। अब हम एक पॉट में एक पाव मैदा ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब हम इसको छान लेंगे ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे ये पिघला हुआ मक्खन, ये करीब 150 ग्राम है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टिन कंडेंस मिल्क। मैश किए और केले, जो दो हमने केले मैश किए थे, हम इसमें कंडेंस मिल्क आधा इसलिए डाल रहे हैं कि केला ऑलरेडी मीठा है और कंडेंस मिल्क भी मीठा ही रहता है, इसलिए हम इसमें शक्कर नहीं डालेंगे और 1/2 टिन कंडेंस मिल्क ही डालेंगे। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, 5 ml वेनिला एसेंस, ये ढक्कन जो है 5 ml का ही रहता है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चोको चिप। हमने एक कंटेनर में मक्खन लगा लिया है और उस थोड़ा सा पेपर डाल दिया ताकि वो अच्छे से जब पक जाए तो निकल आए बाहर। अब हम इसमें फेटा हुआ केक का बैटर डाल देंगे। देखिए केक बहुत अच्छी तरह से फेट गया है। इसको फेटने में हमें मुश्किल से 5 मिनट लगे हैं। ज़्यादा फेटने से केक बैठ जाता है और कम फेटने से अच्छे से उसमें जो रहते हैं लम्स वो नहीं हट पाते हैं। इस तरह बैटर कंटेनर में डालने के बाद हम इसको इस तरह कर देंगे ताकि उसमें जो भी एयर बबल है वो निकल जाए और केक इक्वली फूले। अब हम इसको प्री हीट अवन में रख देंगे। अवन हमने पहले ही प्री हीट कर लिया है। हम उसमें डाल देंगे केक को 180 डिग्री पे 45 मिनट्स के लिए हम रखेंगे इसको। हम पहले इसको बॉटम पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको बोथ पे रखेंगे ताकि जले नहीं और इक्वल पक जाए। बनाना केक रेडी है खाने के लिए। पक गया है इसका सबसे बढ़िया, देखिए एकदम हाथ पे आपके निकल आएगा इस तरह। देखिए पूरा निकल गया है, दोनों तरफ से खूब अच्छे से पक गया है। हम इसको एक प्लेट पे ऐसे निकाल देंगे। अब हम इसको एक चाप की सहायता से काट लेंगे। वाह, देखिए बनाना केक एकदम रेडी है खाने के लिए। आप इसे चाय के साथ, दूध के साथ, ऐसे ही सफ़र में बना के ले जाएं, जिस तरह चाहें आप ले जा सकते हैं। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, कृपया कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। आप भी बनाइए और बताइए कि आपका कैसा बना। धन्यवाद।